लोग बताना चाहते हैं। ये चुनाव के पहले जो हर बार इनका नारा था अब की बार अभी अब की बार पहली बार इन्होंने बार बार 6 साल में 13 बार इनको वोट बढ़ा चुका है, मात्र 3 बार वापस किया है। आम लोग कैसे जी रहा है इस देश में, ये सरकार कोई ना कोई एक बार भी उनके बारे में इनके पास समय नहीं है। एक तरफ महिला रसोई में रो रहा है तो एक महीने में 200 रुपये सिलेंडर का बढ़ा दिया, जब कांग्रेस सरकार होती थी 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, वो आज 800-1000 रुपये हो चुका है। जब इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रति बैरल का $110 था, तब कांग्रेस ने 60 रुपये में पेट्रोल दी सारे लोगों को। उस समय में हमने सोचते थे विजन था, जो गरीब है छोटे बिजनेस है इन लोगों को भी बारे में सोचते, किसान लोगों को, ये लोग ने 100 रुपये बना के रख दिया। किस तरीके से वो लोग अभी जीना है ये सरकार को समझना चाहिए। जो इंटरनेशनल के मार्केट के हिसाब से अभी 60 रुपये प्रति बैरल 60 आना है, इनको 33 रुपीज़ में देने का था, तो ये लुटेरा है मोदी ये महंगा ये प्रूव है। देखिए ये यूनिक स्टाइल में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और कनॉट प्लेस की नेशनल प्रेसिडेंट देखी क्या यार, अरे बाबा रामदेव कह रहे कौन,
मोबाइल मेरा खुल रहा है, एक बगल वालों का कटार भैया।
ड्राइव कर रहे हैं आज हिसाब का जो रेट है का जो अच्छा तेल का जो हिसाब से नहीं, बुरे दिन की बात ही मत करो। संख्या बल जुटा लेने से किसी कानून से पीछे नहीं हटती केंद्र सरकार। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं किसान आंदोलन की वो बात कर रहे हैं। मंत्री बनने को लायक नहीं है, ये गजनी आदमी है। गजनी आप जानता होगा, शायद जो भी बोलते भूल जाता है। ये ऐसा है कि देश में ऐसे दुरंत है, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन चुका है, तो इस देश का अन्नदाता को भी छोड़ा नहीं है तुमने, फिर किसको छोड़ा है? देश का अन्नदाता को आपने खालिस्तान बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, गुंडे बता दिया। नो फार्मर्स नो नेशन। बट ये सरकार क्यों नहीं समझ? सरकार को समझना चाहिए जल्दी से जल्दी इस देश का अन्नदाता के बारे में सोचो। जो जो शहीद हुआ है उनको शहीदों का दर्जा दो, उनका 3 काले कानून वापस दो, और ये पेट्रोल दाम जो इन लोग ने बढ़ाया है जल्दी से जल्दी 33 रुपीज पे पूरा देशवासी को पेट्रोल देना चाहिए। लेके आना तो छोड़, अलग अलग टुकड़े हो गए सारे। मनीष भाई गैप हो रहा है। लगातार
सरकार का शासन चलाने का नाकामी है। ये सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया, गरीब मजदूर और छोटे छोटे उद्योगपति, इस देश का किसान और स्टूडेंट के बारे में, इनके बारे में कोई सोच नहीं, युवा के बारे में। किस तरीके से लॉकडाउन के समय में जो लोग जो काम कर रहा है, जो जॉब लॉस हुआ है, जो किस तरीके से जी रहा है, जो घर में महिला रसोई में कैसे खाना बनाना, 400 रुपए जो सिलेंडर था 800-1000 रुपए बना दिया है। जब कांग्रेस सरकार यूपीए गवर्नमेंट था तब प्रति बैरल 110 डॉलर पे मिलता था, तो तब हमने 60 रुपए में पेट्रोल मिलते थे, 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था। अभी 60 प्रति बैरल इंटरनेशनल में कच्चा तेल इनको 60 डॉलर पे मिल रहा है, 33 रुपीज़ में पेट्रोल देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे। 13 बार इन लोग ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुका है, मात्र 3 बार इन लोग ने हटाया है। इन ये सरकार को, इनके मंत्रिमंडल को ये पता नहीं है क्या करना, क्या इस देश के बारे में सोचना। और इस देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा है, इस देश का युवा सड़क पे घूम रहा है, इस देश का महिला रो रहा है, तो रसोई पे भी नहीं बन रहा, बैठ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार चलाने का नाकामी है। ये आज इसीलिए हमने पूरा क्रिकेट बैट बैठ के अब की बार इनका नारा था, अब की बार पेट्रोल तो की बार। वैसे जो हमारा नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, पर आपके बल्ले पे मोदी मोदी महंगाई, मोदी ये तो महंगाई है, ये तो पूर्ण हो चुका है, मोदी ये तो महंगाई है। किसके हाथ में है एक्सचेंज ड्यूटी, किसने ले रहा, किसने लूट रहा, मोदी तो लूट रहा है। कोई भी दिल्ली से सांसद हैं माननीय मनोज तिवारी जी, इनका कहना है अगर कांग्रेस की सरकार होता तो पेट्रोल 200 पार हो जाता, भाजपा सरकार इसलिए पेट्रोल 100 तक पहुंचा। अरे इनको समझ में नहीं है, नंबर समझ में नहीं आता है, प्रति बैरल में 110 डॉलर कितना है, 60 डॉलर कितना है। इनके कोई मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे नहीं है, हाँ सारे अनपढ़ लोग है, इसीलिए ये देश का हालत ही सामना दिया। इस देश का युवा क्यों सड़क पर घूम रहा है, इसी के वजह से, ये अनपढ़ सरकार के वजह से। हाँ ये सरकार को ऐसे ऐसे बयान देना बंद करके आम लोगों को हित पे ये सारे दाम आप लोग ने बढ़ाया है, वो भी ये तो महंगाई पूरी कर लिया है, इसको कम कर दो, नहीं तो आने वाले दिन में इन लोग को सड़क में घूमने तक नहीं छोड़ेंगे। निर्मला सीतारमन जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम है हमारे कंट्रोल के बाहर है। निर्मला सीतारमन ने जब वो प्याज रेट बढ़ गया था 100 रुपये हो गया था, तब मैं प्याज नहीं खाता हूँ, आप प्याज नहीं खाते आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, GDP क्यों खा रही थी, हाँ GDP तो खा रही थी। एक तो आपका अभी बोल रहे हैं ये मेरा कंट्रोल पे नहीं है, फिर मंत्री बनने के लिए, वित्त मंत्री बनने के लिए लायक ही नहीं है, उतर जाओ तुम पद से, उतर के जल्दी से जल्दी दाम कम कर दो, नहीं तो ये गद्दी में रहने के लिए लोग लायक नहीं है। देश विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी और छोटे छोटे उद्योगपति सबका विरोधी सरकार है, किसान विरोधी। एक व्यापारी हमारे देश में बहुत बड़े नाम, उनका बाबा रामदेव, वो कहते हैं कि देश में आप लोग 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीदिए, क्या इसमें नंबर वन चोर बाबा रामदेव है। उस समय में 35 रुपये में पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा सरकार आई है, अभी 100 रुपये हो गया, अभी कहीं छुपा चुकी है बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव अभी आएगा ना, उसको देखे चूरन खिला देते हैं, सही चूरन, वो तो फर्जी चूरन खिलाते हैं देश को, हमने उसको सही चूरन दे देंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
बंद करो, बंद करो, देश को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नंदन मोदी बंद करो, देश को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूंजीपतियों को देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुमलेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, झोला उठा के चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, झोला उठा के चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, छपरा नोटी को कम करो, कम करो, कम करो, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, नाना शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, राज पोटम हटा दो, हटा दो, एक्सेल ड्यूटी हटा दो, हटा दो,